Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality development through life skills, physical... ट्यूसडे को 21 तारीख को सुबह बंडलगुड़ा में इस्लामिक कॉलेज के पास एक लेआउट में एक लाश मिली थी। उसको इंफॉर्मेशन आते ही उसको मर्डर केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की। इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ, वो तपाचा पुत्रा एरिया का रहने वाला है, ऑटो चलाता। और इसमें है कि ये आसिफ और A1 जो है शेख इस्माइल एलियास आदिल, दोनों की पुरानी दोस्ती है। आजकल इसमें थोड़े झगड़े हुए, पिछले महीना आदिल जेल जाके वापस आया, उस दिन से इसको सता रहा है आसिफ। सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खूनी का आदमी है, ये पूरा एरिया में जो और जैसे गंदे बातें कह के उसको सता रहा है बहुत दिन से। इस पर उसको गुस्सा आया आदिल को, इसको कैसे ही उसको सबक सिखाने का उसका आइडिया है। इसके वास्ते मंडे शाम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए, और उनके दोस्ता 3 और दोस्ता भी उनको बुलाए। और मंडे लेट नाइट ट्यूसडे अर्ली आवर्स में सब लोग पारदीवाड़ा में आए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम पे आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा, जो आदमी जो मर गया वो A1 को पहले मारा, हाथ से मारा। उसके बाद ये आदिल A1 आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया, वो आसिफ वही गिर गया। और आदिल और ताजुद्दीन A2 ताजुद्दीन दोनों इसी के ऑटो में बिठा के ये आसिफ के ही ऑटो में जो मरने वाला है उसी के ऑटो में उसको बिठा के पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे। पहाड़ी शरीफ में आदिल का घर है, वहाँ लेते जा रहे हैं। उस टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे के टाइम पे उसको फिर होश में आ गया। इसके पीछे जो लेआउट है वहाँ लेके गए और वहाँ फिर से चाकू से मारे और वहीं छोड़ के आ गए, वहीं वो उसका इंतकाल भी हो गया। और इस केस में पांचों को A1 शेख इस्माइल एलियास आदिल, A2 ताजुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन, A3 शेख उस्मान, A4 मोहम्मद साहिल और A5 मोहम्मद रेहान, चारों को यूसुफैन दरगाह के पास गिरफ्तार किए। इसके अलावा एक ऑटो जिसमें ये पूरे लोग भाग गए, एक चाकू जिसे मारे, 3 मोबाइल फ़ोन और एक होंडा एक्टिवा बाइक, जो A3 A4 A5 ये तीनों लोग आए मटेरियल्स भी सीज किए। और ये जो मरने वाला है आसिफ, इसके ऊपर लंगर हाउस पहाड़ी शरीफ और आसिफ नगर में 3 केस आए। और A1 शेख इस्माइल एलियास आदिल इसमें प्राउडी शीटर है लंगर हाउस का, इसके ऊपर अभी तक 11 केस हैं राजेंद्र नगर पहाड़ी शरीफ आसिफ नगर लंगर हाउस और माधापुर में, इनके ऊपर केसेस हैं। और इनके ऊपर पहले भी इसके ऊपर पीडियाक के प्रोसीजर्स चालू हुए, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स के जरिए उनका आगे नहीं चल सका। अभी फिर से इन पर PDI Act लगाएंगे और इस बार डेफिनेटली, बिकॉज ये मर्डर केस है तो डेफिनेटली इस बार तो
पीढ़िया में भी लग जाएगी। सर ये पुराना पुल में लोग कितने बजे के टाइम पे बैठ के सर आप पुराने पुल में 2-3 बजे के टाइम में पुराने पुल में गए सर रात में 3 बजे तक कैसा शराब पहुँचे टीम ये वहाँ पे ये शराब पी के वहीं पे उनका झगड़ा हुआ और वहाँ से ये लोग यहाँ से बंडलगुड़ा में 4:30-5 बजे टाइम पे बंडलगुड़ा में वहाँ यहाँ तक आ गए। सर पुलिस को आइडेंटिफाई कैसा हुआ सर ये लोग बयान करें पहले ये आदमी जो मर गया आसिफ जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ आइडेंटिफिकेशन हमारी क्राइम टीम ने की और वहाँ उनके जाके मिलने से उसने उसकी मदर ने बोली कि उस्मान एक आदमी है वो रात को उसको लेके गया बोल के बोली तो उस्मान को ट्रैक किया उस्मान के जरिए पूरी 4 लोगों आ गए और उन पे पूरा कहानी भी बाहर है।